किसका कॉल है? पापा का। क्या बोल रहे हैं? पापा का नाम ना पॉप लिखे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और प्यारा सा ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पे किचन में मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने, और वो गार्डन हटाने की वजह से बहुत कम पानी टपकना मतलब टपक रहा है। देखिए अभी इतना पानी पड़ रहा था तो पूरा अभी भर चुका रहता, लेकिन देखिए पानी अभी भी पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत कम हुआ है। देखिए बहुत कम पानी टपक रहा है अब, ये देखिए। और यहाँ पे सुहाना ब्रश कर रही, जल्दी से पहले ब्रश कर लो वहाँ पे जाके। और यहाँ पे मैं रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रही हूँ, यहाँ पे चाय बन रहा है लोटा में। और बहुत दिनों बाद आज चाय बन रहा है, क्योंकि बारिश हो रहा है तो चाय पीने का मन किया। और हस्बैंड जी ऊपर है, ऊपर चल के देखते हैं कि क्या कर रहे हैं वो। कल हम आधा अधूरा काम ही किए थे, पूरा नहीं कर पाए थे, रात्रि हो गया था। ही ये आ गए ऊपर, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, निकल रहा था ना वो मिट्टी। देखिए इस गार्डन का ना हम यहाँ से यहाँ तक का मतलब हटा दिए थे कल, मिट्टी बहुत ज़्यादा भारी हो गया है जिसके वजह से हम पूरा नहीं कर पाए ना। मिट्टी यहाँ से यहाँ ले जाने में हमको बहुत मेहनत लगा, तो आधा को हम यहाँ से यहाँ रख दिए है इस साइड में। और अभी इसको थोड़ा सा, अब जब सूखेगा पानी छूटेगा उसके बाद हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मुझे भी आने दीजिए छता में। हाँ फोन तो वाटर प्रूफ है ना। देखिए फूल सब कितना अच्छा फूला है, बारिश में मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना। ये गार्डन हमारा छोटू सा बन गया अब। इस साइड का वैसे अच्छा कुछ था नहीं, तो सब कुछ हम उखाड़ के उस साइड में रखे डाल दिए है वहाँ पे, छोटा छोटा चीज़ सब। जैसे बारिश में लगाया है या लगाया हुआ कोई भी चीज़ नहीं सूखता है, आपको पता है? बारिश में लगाया हुआ कोई चीज़ नहीं सूखता है। चलिए मैं भीग रही हूँ, मैं नहा ली हूँ, चलो हो गया, हो गया है काम, चलो चलिए चलिए आइए। कहाँ आए? कल यहाँ पे सांप था तो अभी सुहाना चली गई एग्जाम देने, आसमाना का लास्ट एग्जाम ड्रॉइंग का था मतलब है। और सुहाना जिद कर रही है दादी गांव जाने के लिए, पता है आपको, छुट्टी बिताने जाएगी सुहाना दादी गांव। और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप दोनों चले जाओ। मैं क्यों जाऊंगी? सुहाना के साथ चले जाओ। आप क्या करेंगे? हम तो यहाँ पे दोस्तों के साथ छुट्टी मनाएंगे। तो आज हमारे नाश्ता में है परवल आलू का सब्जी, तिल का टमाटर का चोखा, रोटी। तो अभी है शाम के, बज रहे हैं 7:45। देखिए और हस्बैंड जी गए थे बाहर, कल मैं उनको रोक रही थी बारिश में काम करने से कि आपका तबीयत खराब हो गया, हो जाएगा। उनका तबीयत तो खराब नहीं हुआ, लेकिन मेरा तबीयत खराब हो गया, आज पूरा दिन मुझे बुखार है। तो वो अभी शाम को गए थे बाल बनवाने के लिए, तो बोले उधर से आपके लिए हम दवा लेते हैं क्या, तो अभी आ गए हैं, भाई दिखाते हैं वो बाल बनाए। पूरा सावन में बाल नहीं कटाएंगे ना, ना बाल ना दाढ़ी मुझ। सुहाना देखने गई थी पापा को। यहाँ पर सुहाना का पढ़ाई हो रहा है, आज सुहाना का एग्जाम ख़त्म हो गया 1 वीक का, 10 दिन का, 10-12 दिन का सुहाना को छुट्टी मिला है ना। तो अभी सुहाना बोल रही है हम दादी गाँव जाएंगे छुट्टी सेलिब्रेट करने, मतलब छुट्टियाँ बिताने। अब देखते हैं, अभी तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो सुहाना को कौन आएगा लेने? सुहान इसे बारिश में कैसे जाओगी? जल्दी सुबह उठेंगे। आजकल तो पूरा पूरा दिन पानी पड़ता है, कैसे जाओगी? तो जल्दी उठेंगे ना। तो इससे क्या होगा? ऐसे फिर पानी छूटेगा थोड़ी देर में, तब फोन करेंगे। अच्छा ठीक। आज तो फोक
हाँ बारिश होता है ना पूरा पूरा दिन। आपके लिए बनाना लाती। बनाना क्यों लाए? सोना के लिए। सब्जी खाने में सब्जी वाला है ये बनाना। ये वो बना के वो वाला कहाँ दिखाइए। वाह कैसे लग रहे हैं बाल बना के देखिए ना थोड़ा ऊपर। अच्छा लग रहा है। ये लो। थैंक यू। और कुछ खा नहीं उसमें टैबलेट भी है और सब्जी अब्जी कुछ था नहीं तो भिंडी। मैं आपको बोल रही थी कल ठीक है आपको तो भिंडी ही दिखेगा और कुछ करना दिखेगा नहीं। हम करेला भी ढूंढे लेकिन करेला बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा था। वो कद्दू नहीं था। कद्दू भी नहीं था। ठीक है बारिश की वजह से नहीं होगा। किचन में रख दीजिए। आपको मैं बोल रही थी बारिश में मत काम कीजिए। क्यों आपका तबीयत खराब हो गया ना। हाँ मेरा हुआ कि आपका हुआ उल्टा ही बोल रहे। बारह बजे रात को देखिए इन लोगों को रात के 2 बज चुके हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए रात के 2 बजे सुहाना अभी तक नहीं सोई हुई और आप लोगों को जो हमें देखिए रात के 2 बज रहे हैं। हाँ देखिए 9:36 AM। हाँ और जैसे हम आपको बाहर निकल के दिखाएंगे तो 1 सेकेंड में चुटकी में सुबह हो गया। देखिए मतलब ये है कि रात नहीं है सुबह का 9 बज चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों ये है अगला दिन और स्वागत करते हैं आप सबको फिर से हमारे उसी वीडियो में। किसका कॉल है? पापा का। क्या बोल रहे हैं? पापा का नाम में पॉप लिखे हैं। पॉप उठा यहाँ पे। देखिए बातें हो रही है। बीमू है साना है और घर बातें कर रही है। तो अभी बात हुई बीमू बात किए सुहाना बात किए और एक चीज़ और बताना चाहेंगे। अभी कुछ चीज़ों के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगा है ना। तो बीमू बात किए मेरे घर पे और मैंने अभी तक तो बताया नहीं था बीमू ही बताई मम्मी से बात कर रही थी और पापा भी वहीं पर सुन रहे थे। तो कुछ प्रॉपर्टी हमें अपने नाम से शो करना होगा। इंडियन करेंसी में लगभग 50 लाख की चीज़ दिखाना पड़ेगा प्रॉपर्टी। 50-60 लाख 50-60 लाख की। हाँ तो वही है। तो जैसे ही वो बात बोले कि पापा भाग के चले गए वहाँ से। हाँ मम्मी ही बोल रही थी कि प्रॉपर्टी का नाम ही किए तो पापा वहाँ से उठ के चले गए। तो देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे हम प्रोसेस में भी है। अगर मेरा हो गया सब चीज़ ओके तो मैं खुद घर जाऊँगा और इस बार जिद करके मैं अपना काम करूँगा। ठीक है हमेशा बोलते रहते हैं ना पापा ये सब मैं किसके लिए करता हूँ तुम्हारे तुम सब के लिए ही तो करता हूँ। तो बोलता हूँ ठीक है मुझे अभी ज़रूरत है दीजिए। पापा की टेस्ट की बारी आ गई। तो चलिए अभी हम नहाने चलते हैं पहले। बाकी एक चीज़ है दोस्तों कुछ दिनों से ना हमारे घर मतलब बहुत अच्छा है। पापा बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग बातें वातें भी करते हैं ना। अभी मैं कॉल की थी चंदन के फ़ोन में मम्मी के फ़ोन में तो फ़ोन उठाए नहीं वो लोग क्योंकि इस साइड नहीं थे। आप लोग देखे होंगे हमारे घर जो है इस साइड भी है गाँव में और फिर बीच में रोड है उस साइड भी है। तो मम्मी और चंदन दोनों लोग उस साइड थे फ़ोन इस साइड था तो नहीं सुने। तो फिर किसी ने पड़ोसी ने बताया कि आपके फ़ोन में कॉल आ रहा है तो आके देखे तो हमारा कॉल था। तो पापा आपके फ़ोन से बैक किए थे हमको ना कॉल बैक। तो हम लोग बात किए सुहाना दादाजी से बात की मैं मम्मी से बात की ना चंदन से भी बात हुई। अभी सुहाना जाएगी घर छुट्टी मनाने घर ना। तो ये चीज़ है कुछ दिनों से हमारे घर बहुत ठीक है बहुत अच्छा है बहुत खुश है हम लोग इसलिए। अभी हस्बैंड जी जा रहे नहाने 2-4 सालों के बाद। कैसा बात करते हैं सुहाना हमेशा मेरे को फंसाती रहे। 10 दिन तो हो ही गया होगा। बट 10 दिन हो गया होगा। बारिश हो रहा था तो मैं 2 दिन से नहीं नहाया था ठंडा के कारण से। है कि नहीं सुहाना? चलो छत पे देखो कैसा कैसा हो गया है अभी। छत पे देखिए कितना मैं कपड़ा धोई। चलो 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 सब उठो छत पे चलो। बाप रे बाप तोड़ दिए यहाँ का ईटा सब तोड़ दिए सुहाना। आप ही तोड़े होंगे। कल ही हम तो आप सब सो रहे थे ना दोपहर को तो मैं ये काम सब कर रहा था। हम अपना कपड़ा दिखा दे यहाँ से लेके ये सारा फिर ये नीचे वाले भी ये हमारा है फिर ये सारा फिर ये नीचे वाले भी हमारा है इस साइड का देखिए ये
इतना कपड़ा धोया यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हमारा कपड़ा। बाप रे वहाँ तक है देखिए दोस्तों, चार पाँच दिनों से ना बारिश हो रहा था, बस कपड़ा सब सूख नहीं रहा था इसलिए हम धो नहीं रहे थे। हाँ। जब आज देखे धूप है तो सारा कपड़ा धो दिए। तो हम उस देश जाएंगे, हम तो फॉरेन में जाके ये काम लॉन्ड्री वाला काम शुरू कर सकते हैं ना, आपको एक्सपीरियंस है, कर सकते हैं ना। वहाँ पे वॉशिंग मशीन होते उन लोगों के पास। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये हटा दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे ठेस लग सकता था किसी को, और यहाँ का भी हटा दिया क्योंकि यहाँ पे हम ढलाई करेंगे अब, ठीक है। यहीं पे पानी चूता है, थोड़ा सा सीमेंटी वाला काम करना पड़ेगा, इसको ऊंचा करना पड़ेगा। हाँ, और ये काम करने से पहले हमको इसको फिर यहाँ पे उठा के लाना है। हाँ, ये कमेंट आ रहा है कि आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। क्या गलती? फिर से ये पानी चुएगा और इससे छत कमजोर हो जाता है। आपको अगर गार्डनिंग करना है तो पोट में करो, सीमेंट का जो पोट आता है गमला उसमें, या एक बैग आता है, बैग आता है। तो यहाँ पे प्लास्टिक बैग मिलता नहीं है, ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा, और ऑनलाइन खरीदने के लिए भी मनी प्रॉब्लम है। ठीक है, इस साइड ऊंचा है ना, तो थोड़ा हम डाल देंगे। हाँ, ऊंचा है, यहाँ पे पानी टिकेगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ऐसा है, इस साइड ऊंचा है और इस साइड इसे गहरा है। हाँ। तो लगता है इस साइड उतना होगा नहीं, फिर भी हम देखते हैं, अगर वैसा फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम फिर वही करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसलिए रख दिए, प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ से सीधा यहाँ फेंक देंगे मिट्टी को। हाँ, सीधा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, क्या सब चीज। अब चलिए, आज अगर थोड़ा ये सूख जाएगा ना शाम तक में, तो इसको हम हटा के यहाँ पे, धूप भी कम हो गया, जैसा धूप दिख रहा था। देखिए मैं इसको नीचे ढूंढ रही थी, ये ऊपर में था। सुहान, ये दोनों माँ बेटी सेम टू सेम है दोस्तों, ये भी भुलक्कर है, ये भी भुलक्कर है। आप तो है नहीं, मैं तो भूलता ही नहीं कुछ। तो वो भुलक्कर थोड़ी ना, तो गलती से पहन लिया था उल्टा शर्ट। आप नहीं बोलते, आप सब कुछ, आपसे अगर कुछ काम करवाना हो तो मुझे 100 बार बोलना पड़ता है। तो अभी चल रहे हैं हम खाना बनाने। हमारा आज फिर से मैं चाय बनाई थी ना सुहान, क्योंकि कल वाला ब्रेड रह गया था, तो आज सारे लोग चाय और ब्रेड खाए। जब कहाँ है वहाँ पे दे दो। नहा के फ्रेश हो चुका हूँ, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्त आप लोग बोले थे छोटा ही सही ब्लॉग डाल दिया कीजिएगा, तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना प्लीज ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। बाय बाय।